हेलो एवरीवन दिस इज़ द सेकंड वीडियो ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने जेनेटिक मॉडिफिकेशन के बारे में देखा था कि प्लांट्स के जेनेटिक मॉडिफिकेशन से क्या क्या एडवांटेजेस हैं उनको देखा था तो आइए उन्हीं इसी को ही हम कंटिन्यू करते हैं और जेनेटिक मॉडिफिकेशन में और क्या क्या है उनको स्टडी करते हैं देखिए यहाँ पर लिखा कि दिस इज़ सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ़ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी यहाँ पे क्या है सी के अगर पर्पस हम देखें द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो ऑलरेडी पेस्ट रेजिस्टेंट हैं दैट मीन्स उन उनके क्रॉपिंग के टाइम पे पेस्टिसाइड्स को डालने की कोई ज़रूरत नहीं है दैट कुड डिक्रीज़ द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज दैट मीन्स उन्हें पेस्टिसाइड की नीड नहीं होगी बिना पेस्टिसाइड के भी वो पेस्ट रेजिस्टेंट हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी में पेस्ट की वजह से कोई लॉस नहीं होगा तो आइए बात करते हैं देखिए बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बी टी टॉक्सिन एक प्रोटीन है जो टॉक्सिक प्रोटीन है जो एक बैक्टीरिया है बेस्लैस फ्रेंजेंसिस बेस्लैस फ्रेंजेंसिस बैक्टीरिया जो है इसी के फर्स्ट टर्म जो है पहला लेटर जैसे से बी और से टी इसके जीन और स्पेश से फर्स्ट लेटर लेकर के बी ये बना है तो जो बी टी टॉक्सिन प्रोटीन है वो बैक्टीरियम बैसिलस रंजेंसिस प्रोड्यूस करता है इस प्रोटीन की भी अपना ये बहुत ही एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है जो इस प्रोटीन को कोड करने का जो बी टॉक्सिन जीन है उसको बैक्टीरिया में हम क्लोन करते हैं और उसको प्लांट्स में एक्सप्रेस करते हैं जिससे उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो सके अगेंस्ट इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ पेस्ट इंसेक्टिसाइड दैट मीन्स जो प्रोटीन बैक्टीरिया में सिंथेसिस हो रही है जो इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिक है अगर हम उस टॉक्सिक प्रोटीन को प्लांट सेल्स में सिंथेसिस कर दें तो जब भी कोई पैरासाइट या को जो इंसेक्ट होगा वो जब भी इंसेक्ट उसको ईट करेगा तो वो प्रोटीन उसके गट में उसकी इंटेस्टाइन में पहुँचेगी और वहाँ पे वो टॉक्सिक प्रोटीन उसकी गट में प्रेजेंट अल्कलाइन पीएच में क्रिस्टल्स क्रिएट कर लेगी और क्रिस्टल क्रिएट करके उसकी इंटेस्टाइनल वॉल है उसकी सेल्स उसकी सेल्स के साथ बाइंड करके उसमें स्वेलिंग कर देगी और वहाँ पर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे जिससे अल्टीमेटली इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी बी टॉक्सिन जीन की हेल्प से हमने बहुत से प्लांट जैसे बी कॉटन है बी कॉर्न है राइस टोमेटो पोटैटो एक्स बहुत सारे प्लांट्स को हमने इंसेक्टीसाइडल जीन दिया है और पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया है तो आइए सबसे पहले हम बीटी कॉटन की बात करते हैं देखिए बैसलर स्ट्रेंजेसिस के बहुत से स्ट्रेन हैं जिनमें से कुछ स्ट्रेन जो हैं वो इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन रिलीज करते हैं जो लेपडोपटरेंस कोलियोपटेरेंस और डैपटेरेंस ये इंसेक्ट्स के ऑर्डर हैं जिसमें लेप्टोपट में बेसिकली बटरफ्लाई मॉथ, टोबैको बड़वर्म, आर्मी वर्म ये सब आ जाते हैं कोलियोपटेरेंस में बीटल्स आ जाती हैं और डैपटेरेंस में फ्लाइज आ जाती हैं मॉस्किटो आ जाते हैं इंसेक्ट्स तो इनके अगेंस्ट जो है वो टॉक्सिक प्रोटीन वर्क करती है और इनको किल करती है बैसल्स थ्रेंजियंसिस फॉर्म सब प्रोटीन क्रिस्टल में जो भी प्रोटीन है उससे प्रोटीन क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ ग्रोथ दीज क्रिस्टल कंटेनर टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन और ये जो क्रिस्टल्स बनते हैं इस प्रोटीन के ये इंसेक्ट्स के लिए हाईली टॉक्सिक होते हैं ये जो टॉक्सिक प्रोटीन है ये बैसल्स को मतलब बैक्टीरिया को क्यों exactly नहीं किल करती एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो आप बता सकते कि पी टी टॉक्सिक प्रोटीन जो है वो बैसलस में इक्टिव फॉर्म में इनेक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में रिलीज़ होती है लेकिन जब वो इंसेक्ट उसको इंजेस्ट करता है उसकी उस इनेक्टिव टॉक्सिन को तो वो उसके अल्कलाइन पीएच में उसके गट के अल्कलाइन पीएच में जा कर के वो एक्टिव फॉर्म में टॉक्सिन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और उस वहाँ पर क्रिस्टल्स जो फॉर्म हो जाते हैं उसकी वॉल्स उसको सलेब्लाइज कर देते हैं अल्टीमेटली पोर्स क्रिएट हो जाते हैं देखो लिखा द एक्टिवेटेड टॉक्सिन बाइंड टू द सर्फेस ऑफ मिड गट एपीथीलियल सेल जो स्किन टेस्टनला एपिथिलियल सेल्स उससे बाइंड कर जाती हैं टॉक्सिक प्रोटीन एंड क्रिएट्स अ पोर्स दैट का स्वेल क्रीम वहाँ पोर्स क्रिएट हो जाएंगे जिससे सेल स्वेल करेगी लिस अल्टीमेटली डैमेज हो जाएगी एंड इवेंचुअली कॉज द डेथ ऑफ द इंसेक्ट और चूंकि गट में परफोरेशंस क्रिएट होंगे जो जाएंगे जिसकी वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी इस्पेसिफिक बेटी टॉक्सी जीन व आइसोलेटेड फ्राम बैस बैसस से बेटी टॉक्सिन जो जीन है जो क्राई जीन एक तरीके से कह सकते हैं क्योंकि प्रोटीन को क्राई प्रोटीन भी बोलते हैं तो वहाँ से उसको आइसोलेट किया जाता है बैक्टीरिया से और इनकॉर्पोरेट किया जाता है बहुत सी क्रॉप्स प्लांट में जैसे सबसे पहले किया गया था कॉटन में जिससे बीटी कॉटन फॉर्म हुआ एग्जैक्टली देखो यहाँ पर समझने की बात यह है कि जो आप अभी यहाँ पे पढ़ रहे हो मतलब जो प्रोटीन है जो टॉक्सिक प्रोटीन है इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये क्राई प्रोटीन है पहले क्या किया जाता था ये जो बैसलस रोनजेंसेस है इन बैक्टीरिया के सल्यूशन्स तो उनके सैशे में उनके स्पोर्स आते हैं उनको हम वाटर में डिजोल्व करके इसका जो है छिड़काव इसका, इसका स्प्रे करते थे क्रॉप्स प्लांट पे जिससे जब आ, कोई इंसेक्ट तो, उस क्रॉप प्लांट को ईट करता था तो ये स्पोर्स जो इस बैक्टीरिया के स्पोर्स थे उसको वो इंजेस्ट कर लेता था अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती थी तो एक्जैक्टली exactly उस टाइम पे प्रोटीन बन रही थी बैक्टीरिया बट विद द एडवेंट ऑफ द रिकॉमेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हम लोगों ने बैक्टीरिया के जो जीन है जो इस प्रोटीन को बनाता है उस जीन को ही इंट्रोड्यूस कर दिया प्लांट में जिससे वो पहले से ही उस इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को अपने अंदर प्रोड्यूस करने लग गया और जो एक तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट जो है वो बन पाया देखिए इस समय आपको राइट right साइड में ग्रीन बॉल डैमेज आपका लार्वा दिखेगा आपको सीड्स पे कॉटन सीड्स पे फीड करते हुए ठीक है जो बॉलवम्स हैं उन्होंने जो फ्लोरल बड है उसको देखिए कितना डैमेज कर दिया इससे जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी उस पर बहुत लॉस होता है तो इसलिए ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जो बीटी कॉटन या इंसेक्टिसाइडल या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट को क्रिएट करने का देखिए तो जो जीन्स हम लेते हैं कि जिन जीन्स, जीन्स को जिस प्लांट में ऐड किया जाना है तो उनकी चॉइस डिपेंड करती है क्रॉप पे और टारगेटेड पेस्ट पे दैट मीन्स किस पेस्ट के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंट बनाना है क्रॉप प्लांट को मोस्ट ज़्यादातर जो बीटी टॉक्सिन होती हैं टॉक्सिक प्रोटीन वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होती हैं देखो जो टॉक्सिक जीन क्राई वन ए सी जिसको हम क्राई जीन भी बोलते हैं उससे कोड होती है क्राई वन ए सी और क्राई टू ए बी ये जो दो जीन हैं ये जिस प्रोटीन को कोड करते हैं वो प्रोटीन कॉटन बॉलवर्म्स को किल कर देती है उसके लिए इंसेक्टिसाइडल है जबकि जो क्राई वन ए बी जीन है ये कॉर्न बोरर के अगेंस्ट वर्क करती है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा क्वेश्चन ये पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्राई बने से ही, क्राई टू वे भी ये कॉटन बॉड वर्क को करता है और क्राई बने भी कॉर्न बोरर को के अगेंस्ट वर्क करता है तो आई थिंक आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा तो इस टॉपिक इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे जो आपका पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है उनको पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में हम स्पेसिफिक जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है जिसमें आपका आर एन ए आएगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में ठीक है जिससे अब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और उससे मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उनको कन्फ्यूजन भी होता है तो वीडियो समझ में आया हो अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ ये शेयर भी करिए जिससे उनको भी ये प्रॉफिट हो सके तो तब तक ले थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा